हजरत बा यजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह, वो भी थे बच्चे, वो भी थे क्या बच्चे थे हजरत बा यजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह, मस्जिद में आए। जैसे आप मस्जिद में आए तो मस्जिद में आए तो कारी साहब ने बयान किया, जैसे मैं ये हजरत साहब बयान फरमा रहे थे, आप सब ने नमाज पढ़नी है, आप सब ने अल्लाह का जिक्र करना है, ऐसे ही वो ऐसे ही कर रहे थे। तो वो बा यजीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह, आपने सुना कि हजरत साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हक अदा करना है, नमाज पढ़नी है, ये क्या वो बच्चे, क्या थे वो बच्चे। और बा यजीद बुस्तामी कौन है, दादा साहब के पीरों में, बचपन से सोच आई उनकी, बचपन से छोटे थे, बचपन से सोच के आई कि जब कारी साहब ने बयान किया ना कि अल्लाह का हक अदा करना है और बंदों की खिदमत करनी, जैसे आप हम घर जाएंगे अपनी अम्मी के हाथ चूमेंगे, आपने माँ बाप का हक अदा कर दिया, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह का हक अदा कर दिया, ऐसे उन्होंने बयान सुना। तो बयान सुना तो घर जाके अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी जान मैं मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ, मैं अल्लाह वाला बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा चूमेंगे बेटा, चाह तो अल्लाह वाला बन, अल्लाह अल्लाह कर। अब वो खुद जाके कह रहे हैं मैंने अल्लाह वाला बनना है, हमारी माँ बच्चों को कहती जाओ मस्जिद, कह रहे मैं नहीं जाना, जाओ मस्जिद मैं नहीं जाना, कितना फर्क है। फिर हमारे बच्चों ने क्या बनना है, माइकल जैक्सन से क्या बनना है, वो भी मुसलमान हो गया, वो भी बाद में मुसलमान हो गया। तो भाई ये मुसामी ले रहे माँ, जैसे बच्चों की सोच क्या होती है कि चलो मस्जिद, चलो दीन के लिए नमाज, वो चले गए इल्म हासिल करते रहे। माँ की कितनी खिदमत की, देखें उनका वाक्य, उनसे किसी बंदे ने पूछा आपने ये मकाम और मरतबा कैसे हासिल किया, कहने लगे मैंने ये मकाम और मरतबा अपने माँ बाप की खिदमत की वजह से हासिल किया। किसकी वजह से, माँ बाप की खिदमत की वजह से। और एक दफ़ा उनकी माँ ने कहा जा बेटा पानी पी गया, सोई हुई थी सर्दियों के दिन, रवायत में लिखा है छोटे बच्चे ही हैं, क्या है नहीं छोटे बच्चे ही, माँ ने कहा जाओ पानी ले, ये नहीं कहा चलो माँ मैं आगे ले आ गया, तू ही पानी लिया, तू ही हांडी पका, तू ही दूध लिया, मैं नहीं जाना, माँ ने कहा जाओ बेटा पानी लेके आओ, भागे भागे गए, पानी था ठंडा, माँ नींद में थी सो के दबका पानी ले गया, माँ सो गई, सारी रात ऐसे गिलास लेके खड़े, सारी रात। हम तो अपनी माँ के लिए दो मिनट नहीं खड़े होते, होते हैं आप सब तो होते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं आप, ऐसे ही आप सब तो होते हैं, तो सारी रात खड़े रहे, उनका हाथ ही शल हो गया ठंडक की वजह से। तो हमें क्या समझ आई कि हमने नमाज पढ़नी है और माँ बाप की खिदमत करनी है, जाके हमने आज अपनी अम्मी के हाथ छूने हैं, पापा के पाँव दबाने हैं, और हमने क्या करना है हमेशा सच बोलना, हमेशा क्या करना है सच बोलना है। दुआ है हम सबको।